आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ करें और किस प्रकार करें। किसी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। ही इज ए बॉय, ही का एच बड़े से बनेगा, बाकी नहीं। अब हम देखें दूसरा नियम, पोएट्री की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर। पोएट्री यानी कविता जो होती है अंग्रेजी की, उस अंग्रेजी की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर बड़े से शुरू होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टी शब्द, टी अक्षर, लेटर बड़े से शुरू होगा। अब देखें नेम्स, नेम्स में किसी का भी नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से बनेगा। रमेश, आगरा, दोनों नाम है। किसी का भी नाम हो, चाहे जानवरों का भी जो नाम रखा जाता है, जैसे मोती, तो मोती भी बड़े अक्षर से बनेगा, यानी कैपिटल लेटर से बनेगा। दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूजडे, सब जो है वो बड़े अक्षर से बने, कैपिटल लेटर से बनेंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, सब कैपिटल लेटर से बनेंगे। त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, तो होली का एच बड़े से, दिवाली का डी बड़े से बनेगा। तो ये कैपिटल लेटर का, यानी कैपिटल लेटर से बनेगा, कैपिटल लेटर यूज करने के इनमें ये नियम है। आई, आई जिसका अर्थ मैं होता है, इसका सेंटेंस में कहीं भी उपयोग हो, कहीं भी, तो इसका ये आई हमेशा कैपिटल लेटर से बनेगा। ओ भी कैपिटल लेटर से बनेगा। गॉड, गॉड माने भगवान, यानी एक जो है, देवता नहीं, गॉड, ईश्वर, वो बड़े से यानी कैपिटल लेटर से बनेगा, गॉड। और उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन भी कैपिटल लेटर से ही बनेगा। गॉड इज ग्रेट, ही इज जस्ट, तो उसके लिए ही का प्रयोग हुआ है प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन भी बड़े अक्षर से बनेगा। ये ऑल माइटी शब्द भी बड़े कैपिटल लेटर से बनेगा, बड़े अक्षर से बनेगा। ये इसके नियम है। हेडिंग में प्रयुक्त प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, ये इनको छोड़कर प्रत्येक कैपिटल लेटर से बनेगा। जैसे जनरल इंग्लिश, एट का ए स्मॉल लेटर से बना हुआ है, देखें, और बाकी अक्षर कैपिटल लेटर से बनेंगे। जनरल का जी, इंग्लिश का ई और होम का एच कैपिटल लेटर से हैं, और एच क्योंकि क्या ये है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जो है वो कैपिटल लेटर से नहीं बनता, कंजंक्शन भी नहीं बनता और आर्टिकल्स भी नहीं बनते कैपिटल लेटर से, बाकी जो और होते हैं वो बनते हैं। समाचार पत्रों की हेडलाइंस का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, जैसे साउथ ट्रेन एक्सीडेंट, साउथ ट्रेन एक्सीडेंट, साउथ ट्रेन एक्सीडेंट, ये इसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, साउथ का एस, ट्रेन का टी, एक्सीडेंट का ए, ये ऐसा समाचार पत्रों की हेडलाइंस में होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तथा टाइटल्स के जो एब्रीविएशंस हैं, सूक्ष्म रूप हैं, वो भी ऐसे ही कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, एलएलबी, एमएलए, एमपी, ये सब के सब कैपिटल लेटर से ही बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का पहला अक्षर तथा कम्युनिटीज, ये कैपिटल लेटर से बनेंगे। जैसे रिपब्लिकन्स, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, हिंदू, ये कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो ये कैपिटल लेटर से ही बनेंगे हमेशा। इसके बाद कोटेशंस को देखिए, कोटेशंस का पहला अक्षर बड़े
बड़े से बनेगा, कैपिटल लेटर से बनेगा, ही सेड ही। एच बड़े से बनेगा, यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसका पहला अक्षर बड़े से बनेगा यानी कैपिटल लेटर में बनेगा। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो जो पुरानी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर से बनेगा। द का टी, ग्रेट का जी, वार का डब्ल्यू, द ग्रेट वार, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से बनेगा। पर्सोनिफिकेशन में जब जब किसी ऐसी वस्तु को जो इंसान नहीं है, जीवित नहीं है, निर्जीव है, उसको हम जीवित करते हैं पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार है, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसमें बड़े से बनेगा ओ सॉलिट्यूड, ओ तो बड़े से बनता ही, सॉलिट्यूड भी बड़े से बनेगा, कैपिटल लेटर से बनेगा। ओ डेथ, डी भी बड़े कैपिटल लेटर से बनेगा और ओ भी कैपिटल लेटर से बनेगा। थैंक यू वेरी मच।